हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर मैं आप सभी के सामने आशीष कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का द लाइन कंसेप्ट कोचिंग में। आज से हम एक नई लेक्चर सीरीज और स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये लेक्चर सीरीज किस पर बेस्ड है वो बता देता हूं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स टेंथ क्लास में है, टेंथ क्लास आरबीएससी की जो साइंस की बुक है, आरबीएससी की साइंस की जो बुक है वो भी इंग्लिश मीडियम की, कुछ इस तरह की दिखती है ये कुछ इस तरह की दिखती है, देखिएगा मैं दिखा रहा हूं आपको। साइंस एडवाइजर ये मेरे पास में बुक है, इस पर बेस्ड आज हम साइंस के लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स हमारा जो फंडामेंटल होगा, सुनिएगा मेरी बातों को, बड़ी ही प्यारी बातें बोलूंगा और बड़ी ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये बातें ऐसी है साहब की सॉरी टेंथ क्लास आरबीएससी की आज से हम साइंस स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, और इस साइंस को पढ़ने का जो मकसद है वो रहेगा नोट्स बेस्ड। क्या साहब? नोट्स बेस्ड, मतलब कि हमारे बीच कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने नाइन्थ क्लास तक नोट्स बेस्ड स्टडी नहीं करी होगी। मैं बता देता हूं आपको कि नोट्स बेस्ड स्टडी क्या होती है। स्टूडेंट्स इस तरह की स्टडी के अंदर हम लोग पूरे चैप्टर के जो नोट्स होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं अपनी कॉपी में, और उन जो नोट्स हैं उनको ही हम लर्न करते हैं, नोट्स को ही। उसके बाद में अब आपसे उस चैप्टर के बीच में से या कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका आंसर करने में कैपेबल होने चाहिए। ये होती है नोट्स बेस्ड स्टडी। इस नोट्स के अंदर ही आपकी बुक के जो पीछे के क्वेश्चंस है, टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप पढ़ते पढ़ते जब आपको पता ही नहीं लगता, नोट्स बनाते बनाते ही आप पीछे के क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस अगर हमारे छूट जाते हैं तो हम बाद में उनको प्रिपेयर करेंगे। स्टूडेंट्स नोट्स बेस्ड स्टडी के अंदर ये होता है कि एक भी टॉपिक हमारा छूटने की आशंका नहीं रहती है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि बहुत से बच्चे हमारे बीच ऐसे होते हैं जिन्हें इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, समझने में प्रॉब्लम होती है, और यहां पर तो हम नोट्स बेस्ड स्टडी करने वाले हैं तो जो भी हमें लर्न करना होगा वो इंग्लिश में ही करना होगा। लैंग्वेज बहुत से बच्चे आप में से इंग्लिश मीडियम से भी हैं तो समझ पाएंगे, लेकिन बहुत से बच्चे होते हैं जिन्हें इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे इसी चैनल पे हमने इंग्लिश की भी क्लासेस स्टार्ट करी हुई है, बिल्कुल जीरो से लेकर अच्छे लेवल तक। तो आप वो इंग्लिश की क्लासेस भी कंटिन्यू कर सकते हैं ताकि आप किसी भी तरह का कोई इंग्लिश का पैराग्राफ हो चाहे सेंटेंस हो पढ़ने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, स्पेलिंग्स वर्ड मीनिंग्स में भी नहीं आएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट हमारा साइंस के अंदर जो पहला चैप्टर है उसका नाम है साहब केमिस्ट्री का चैप्टर ले रहा हूं मैं, पहले बुक के अकॉर्डिंग नहीं ले रहा मैं केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ले रहा हूं कि पहली हम उठा रहे हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के अंदर जो हमारा चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, वैसे सीक्वेंस वाइज कौन सा है ये चैप्टर, सीक्वेंस वाइज ये चैप्टर है फिफ्थ चैप्टर। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का मतलब है कि हमारे अभी के जो जीवन है, जो हम रोज जीते हैं, उसमें केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री बेसिकली होती क्या है वो हम इस चैप्टर में जानेंगे। स्टूडेंट्स देखिए एवरीडे लाइफ का मतलब होता है रोजमर्रा की जिंदगी जो हम रोज जी रहे हैं, और केमिस्ट्री का मतलब होता है स्टूडेंट्स केमिस्ट्री बेसिकली अ स्टडी ऑफ केमिकल्स। जो भी केमिकल्स आज हम दुनिया में देखते हैं, चाहे वो दवाइयां हो, चाहे वो किसी भी तरह का केमिकल हो, उसकी अगर हम स्टडी करते हैं तो वो स्टडी आती है केमिस्ट्री के अंदर। तो आपको अगर कोई पूछ ले कि भाई साहब केमिस्ट्री क्या होती है, तो आपको बताना आना चाहिए कि द केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ केमिकल्स। किसकी स्टडी है साहब? स्टडी ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ और नॉट ऑन द अर्थ।
केमिस्ट्री एक स्टडी है केमिकल्स की, उन केमिकल्स की जो इस जो अर्थ पे मिलते भी हैं और अर्थ पे नहीं भी मिलते, मतलब अर्थ के बाहर मिलते हैं, समझ रहे हो आप? सर ऐसा कौन सा केमिकल है जो अर्थ के बाहर मिले? तो मैं आपको बता दूं एक बड़ी प्यारी बात, हीलियम, हिंदी में बोलेंगे हीलियम। हीलियम एक ऐसा केमिकल है, एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारी पृथ्वी पर मिलता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सन पर मिलता है, सिर्फ सूर्य पर मिलता है। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, लिख लें आप, ठीक है स्टूडेंट्स। तो केमिस्ट्री मैंने बता दिया आपको क्या होती है। देखिए स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के अंदर अब तक जो खोजे गए जो केमिकल्स हैं उनकी मैं आपको एक सूची बता देता हूं, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसे कहते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या होती है स्टूडेंट्स? पीरियोडिक टेबल के अंदर वो सारे केमिकल्स होते हैं जिनकी स्टडी हम लोग करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप 10th क्लास के अंदर हैं तो आपको कम से कम 20 केमिकल्स स्टार्टिंग के, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये कम से कम 20 मेरी तरह आपको याद होने चाहिए। बाकी आप देख रहे हैं इतने सारे आपके केमिकल्स होते हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो आइए हम देखते हैं कि 20 आपको कौन कौन से याद करने हैं। देखिए तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में ये 10 एलिमेंट्स हैं, इनको आप एलिमेंट्स बोल सकते हो या आप इनको केमिकल्स बोल सकते हो। तो आपको ये सीरीज याद करनी है, जैसे लिखा है ना मैंने, ऐसे कैसे आपको याद करनी है? टिप्स पर याद होनी चाहिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इस तरह से आपको याद होनी चाहिए। ये मैंने 10 नंबर लिखे हैं स्टूडेंट्स। देखिए जो इनका सीरीज नंबर होता है ना, वही इसका एटॉमिक नंबर होता है, मतलब एटॉमिक नंबर कितना, 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9 और इसका 10। जो इसका सीरीज नंबर होता है वही इसका एटॉमिक नंबर होता है, इसलिए सीरीज याद करने के लिए कह रहा हूं आपको। आपसे कोई पूछे कि हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन कितने होते हैं या इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम रहता है, और ध्यान से सुनना, ये भी उतना ही होता है जितना इसका सीरीज नंबर होता है। यानी कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एच में 1 होगा, हीलियम में कितने होंगे, 2 होगा, लिथियम में 3, और सेम टू सेम सीरीज चलाते जाओ साहब, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10, ठीक है स्टूडेंट्स। प्रोटॉन का नंबर भी सीरीज में आता है, इलेक्ट्रॉन वाला नंबर भी सीरीज का होता है, और एटॉमिक नंबर भी सीरीज की बात होती है। अब हम बात करते हैं मोलिक्यूलर मास के बारे में। ये ट्विस्टेड है स्टूडेंट्स, ये आपके अभी भी काम आएगा और ये आपके बाद में भी काम आएगा, तो ये आपको याद करना पड़ेगा किसका मोलिक्यूलर मास कितना होता है। देखिएगा हाइड्रोजन का जो मोलिकुलर मास होता है वो 1 होता है, इसका नंबर भी 1 होता है, इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, इसकी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है, और इसका मोलिकुलर मास भी 1 होता है, याद कर लो। हीलियम का साहब दुगना होता है, जितना इसका सीरीज नंबर है, जितना इसका एटॉमिक नंबर है उसका दुगना मोलिकुलर मास, यानी कि 4 होगा। लिथियम इसका दुगने से 1 ज्यादा होगा, मतलब कि 7 होगा। यहां पर देखिए आप, दिख रहा है स्टूडेंट्स, सेम टू सेम बोरोन में भी वही काम होता है, बोरोन आपको कितना मिलेगा, 9। ये मोलिकुलर मास जो है, मोलिकुलर मास का मतलब होता है इनका वजन, इनका वजन कितना है हमारी पृथ्वी पे, इनका जो एग्जिस्टेंस है इनका वजन कितना है, इतना है। तो ये आते हैं ना, ये नंबर जो है ये अप्रोक्स नंबर है, कई जगह पर 8.9 था तो हमने 9 लिख दिया, तो घबराइएगा मत, कई जगह आपको 8.5 भी लिखा हुआ मिल जाए तो वो गलत नहीं है स्टूडेंट्स। मैंने आपको सिर्फ इंटीजर में लिखा है कि आपको ये याद करना है, समझ गए। आइए, बोरोन का 11 होता है, डबल से एक ज्यादा, कार्बन का 12 होता है स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, फ्लोरीन का 19 होता है, और नियोन का जैसा कि आप जानते हैं 20 होता है। तो ये आपके दिमाग में रहने चाहिए, ये तो आपको सीरीज वाइज वैसे याद हो जाएंगे। 10 आपने याद कर लिए, अब हम देख रहे हैं 10 आगे के।
कुछ एलिमेंट्स इस तरह से हैं, देखिएगा 11, 12 से लेकर 20 तक। सोडियम Na को हम बोलते हैं सोडियम, क्या बोलते हैं साहब? सोडियम लिखा Na से जाता है इसको, तो घबराए नहीं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम। के को हम बोलते हैं पोटेशियम। मैं बोल रहा हूं, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप साथ के साथ लिखते हुए चले। पोटेशियम, कैल्शियम, इनकी सीरीज जो होती है, सीरीज नंबर जो होता है इनका, वो होता है एटॉमिक नंबर। इनमें पोटेशियम और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होता है वो सीरीज वाला नंबर ही होता है। और इनका जो मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास, इसको वेट भी बोलते हैं स्टूडेंट सही लोग, मोलिकुलर वेट, ये होता है सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 25, एल्यूमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, फास्फोरस का 31, और एस चलते चलते यहां तक आ जाता है स्टूडेंट्स। ये आपको याद करना है, समझ गए आप बात को? इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आइए हम लोग अब हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। और आज हम इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट ही पढ़ेंगे, जैसा कि आप जानते हो। और कल से हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के अंदर का माल, मटेरियल जो इसके अंदर पढ़ना है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता है कि जो केमिकल्स हैं वो हर फील्ड में काम आते हैं। हर फील्ड देख लो आप, कोई सी भी फील्ड देख लो, आपके घर के अंदर खाना बनता है, खाने में मिर्च डलती है, केमिकल है, नमक डलता है, केमिकल है, यहां तक कि पानी भी आप पी रहे हो ना, वो भी क्या है साहब? केमिकल है। इस मार्कर से मैं लिख रहा हूं तो इसमें जो इंक है वो भी केमिकल है, समझ रहे हो आप? सब्जी आप खा रहे हो, सब्जी के अंदर जो प्रोटीन है क्या है? केमिकल है। तो हर चीज के अंदर केमिकल है साहब, हर चीज के अंदर। तो पहली लाइन हम यही लिखेंगे पॉइंट्स के अंदर कि केमिकल्स आर वाइडली यूज्ड, वाइडली यूज्ड इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। लाइफ की हर फील्ड के अंदर केमिकल यूज किए जाते हैं। पहला पॉइंट ही हमारा यह है। अब देखो आप, अब हम कुछ केमिकल्स की बात करते हैं, जो केमिकल्स हम यूज करते हैं। जो सीमेंट होती है ना स्टूडेंट, सीमेंट आप देखना बड़ी आराम से मिट्टी जैसी होती है, लेकिन जब आप इसको किसी ईंट पे रख के ईंट रख दोगे ना इस पर, तो 20-25 घंटे बाद में इतनी टाइट हो जाएगी कि जो इंसान इसको रखा है ना वो भी नहीं हिला सकता इसको, इतनी टाइट हो जाती है। तो उसमें क्या है? उसमें एक बाइंडिंग केमिकल है जो आपकी ईंट से ईंट को जोड़ता है, समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो देखिए हम लिखते हैं कौन कौन से केमिकल्स हम देखते हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर। केमिकल्स आर यूज्ड इन सीमेंट, सीमेंट में केमिकल होते हैं। इलेक्ट्रिक एपरेटस, ये समझो इलेक्ट्रिक एपरेटस क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रिक का सामान है ना, जैसे कि लाइट है, लाइट चाहे लाइट, उस लाइट के अंदर भी कुछ ऐसा केमिकल डलता है जब जाके वो लाइट बनती है, समझ रहे हो आप? तो इलेक्ट्रिक एपरेटस में भी क्या यूज होता है? केमिकल यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है स्टूडेंट्स? आपके घर में डिश लग रही होगी, तो जो ऊपर छतरी लग रही है ना, छतरी, वो सैटेलाइट की छतरी, वो सिग्नल लेती है आसमान से। तो आसमान में क्या लगा हुआ है? आसमान में सैटेलाइट लगा हुआ है। उस सैटेलाइट के अंदर भी कुछ केमिकल होता है जो आपको डिश दिखाता है, तो समझ गए? सैटेलाइट में भी केमिकल यूज होता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल व्हीकल, जो आप गाड़ी चलाते हो ना, मोटरसाइकिल चलाते हो या फिर कार चलाते हो, तो उसमें पेट्रोल डलता है, डीजल डलता है, अरे साहब वो भी तो एक केमिकल ही है, समझ रहे हो ना? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि केमिकल कहां कहां पर यूज होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बताऊं मैं आपको, और अच्छा इंपॉर्टेंट,
आप बीमार होते हो, दवाई लेने जाते हो डॉक्टर के पास में, तो वो आपको गोली देता है ना, लाल गोली, पीली गोली और कुछ इस टाइप की, ऐसे खांसी की दवाई भी देता है। क्या है ये? अरे साहब केमिकल ही तो यही है, और क्या है? तो मैं क्या बोलूंगा कि केमिकल्स केमिकल्स आर यूज्ड इन मेडिसिन्स मेडिसिन्स एज एज सोर मतलब खट्टा एंड स्वीट टेस्ट, एज सोर SOUR यानी खट्टा एंड स्वीट यानी कि मीठा टेस्ट, यानी लिख रहा हूं विद। क्या बताना चाह रहा हूं उस लाइन में कि केमिकल्स मेडिसिन्स में भी यूज करे जाते हैं खट्टा मीठा टेस्ट के रूप में, और ये लिख सकते हैं आप स्वीट हो गया, आप बिटर भी लिख लो, यानी यानी कड़वा, कड़वा भी तो होता है ना, कड़वा टेस्ट होता है। इतनी बातें जानने के बाद में हम ये कह सकते हैं कि बिना केमिकल्स के आज की जिंदगी में हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हर जगह ही केमिकल यूज हो रहे हैं। तो लास्ट लाइन में लिखूंगा कि विदाउट केमिकल्स, विदाउट केमिकल्स एट प्रेजेंट सिनेरियो, आज के टाइम पे एट प्रेजेंट सिनेरियो, विदाउट केमिकल्स एट प्रेजेंट सिनेरियो द लाइफ कैन नॉट बी इमेजिन्ड, आज के टाइम पे हम हमारी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते बिना केमिकल के। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? तो केमिकल इस लाइफ में होना जरूरी है। ये केमिकल केमिस्ट्री के अंदर हम इसकी स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट बताया है और पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स आपको बता दिए हैं। कल हम आपसे मिलेंगे और इस चैप्टर में और आगे बात करेंगे कि क्या क्या इसमें होता है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, उम्मीद है घर पर आप पढ़ेंगे इसको। देखिए नोट्स बनेंगे तो नोट्स को पढ़ना पड़ेगा, इनको रोज पढ़ोगे ना तभी जाके याद होंगे। अगर ऐसे सोचोगे ना कि आज नहीं पढ़ूं कल पढ़ लूंगा, तो साहब कल तो कभी जिंदगी में आता ही नहीं है, ठीक है। दूसरी बात यह कि पढ़ोगे तो दिमाग में बैठता रहेगा, कंटिन्यूअसली पढ़ते रहोगे तो साइंस भी बहुत अच्छी लगने लगेगी, वरना तो एक टाइम के बाद में बोरिंग लगती है साइंस, लेकिन रोज पढ़ोगे तो इंटरेस्टिंग लगेगी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए ऑल द बेस्ट।